नमस्कार, हिमाचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बिलासपुर दौरा रहने वाला है और 287 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कंद्रौर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज बिलासपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इस दौरान कंद्रौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा करोड़ों की सौगात यहां की जनता को आज मिलने वाली है। 287 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज सीएम जयराम ठाकुर देने वाले हैं। इसके अलावा कंद्रौर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो चुनाव से पहले लगातार अलग अलग विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और इसके तहत अलग अलग विधानसभाओं को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आज बिलासपुर पहुंचेंगे और बिलासपुर में भी कई सारे उनके प्रस्तावित कार्यक्रम रहने वाले हैं जिनमें शिरकत करेंगे। इसमें जानकारी आपको दे दें कि 287 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा कंद्रौर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र जम्बाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, यहाँ पर क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम के दौरे को लेकर? कितने बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और क्या कुछ उनके प्रस्तावित कार्यक्रम इस दौरान रहेंगे? सीएम का जो दौरा है वो पहले जो सीएम ने भाई एयर के हेलीकॉप्टर के द्वारा आना था, अब मौसम का मिजाज को देखते हुए अब सीएम बाई रोड आ रहे हैं, जिससे पहले उनका जो प्रस्तावित दौरा था 9:50 पर उन्होंने पहुंचना था, अब उसको कयास लगाकर अब 11:30 और 12 बजे के बीच में सीएम जी पहुंचेंगे जी। और उनके क्या कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम रहेंगे, किन किन में शामिल होंगे, उनके भी पूरी विस्तार से जानकारी चाहेंगे। सीएम का जो दौरा है एक दिवसीय दौरा रहेगा और इसमें जो विभिन्न विभागों के प्रस्तावित दो शिलान्यास होंगे, उद्घाटन होंगे, 287 करोड़ के होंगे और उसके बाद वो कंद्रौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो एक दिवसीय उनका दौरा रहेगा, इस दौरान 287 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे और साथ ही कंद्रौर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मौसम की वजह से यहां पर थोड़ा सा बदलाव उनके दौरे में किया गया है। जहां उनको पहले 10 बजे पहुंचना था लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया, 11:30 बजे के करीब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, बाई रोड अब आएंगे। इस वजह से थोड़ा समय यहाँ पर पहुंचने में लगेगा लेकिन उनके जो प्रस्तावित कार्यक्रम है वो पहले की तरह निर्धारित हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागवानों की समस्याओं को सुलझाने के